आपका सत्याग्रह.com पर। आप देख रहे हैं तीन सवाल। आज हम तीन सवाल पूछेंगे आज रिलीज हुए फिल्म डैडी पर। इस फिल्म पर बात करने के लिए हमारी सहयोगी अंजलि मिश्रा हमारे साथ मौजूद है। आप पर जो चार्जेस लगाए गए हैं उनके बारे में आपको कुछ कहना है क्या? मैं निर्दोषी। बॉलीवुड में ऐसी तमाम पिक्चरें बनती रही हैं जो गैंगस्टर बेस्ड होती हैं, इसमें क्राइम होता है, डॉन की कहानी होती है। ये फिल्म उन फिल्मों से कैसे अलग है? अनफॉर्चुनेटली ये फिल्म उनसे अलग नहीं है। तमाम गैंगस्टर बेस्ड फिल्मों की तरह ही है, जैसे वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई हमने देखी थी, या शूट आउट एट लोखंडवाला, और इस तरह की फिल्में बनती रही हैं। तो ये उसी की तरह की फिल्म है जो एक बार फिर से एक व्यक्ति को लेती है और परिस्थितियों के सहारे उसकी कहानी दिखाती है, और उसमें व्यक्ति वो नायक बन जाता है, गलत काम करने के बावजूद वो नायक बन जाता है और परिस्थितियां विलन बन जाती है। तो इसलिए जितनी भी जो एक क्लीशेड बॉलीवुड गैंगस्टर होता है बनती आई थी, उसी तरह की ये उसी तरह का ये किरदार भी है, उसी तरह की ये फिल्म भी है कि बस पुराने ही वही जस्टिफिकेशंस, वही घटनाएं, वही मजबूरियां दिखाती है। तो इसके साथ ही फिल्म के साथ एक समस्या ये है कि मजबूरियां जो दिखाती है, जिन परिस्थितियों को, जिन स्थितियों को वो मजबूरियां बताती है, वो उस नायक की मजबूरियां होती भी नहीं है, वो उसका चुना हुआ होता है। अर्जुन रामपाल जो इस फिल्म के निर्माता हैं, क्योंकि उन्होंने जैसे प्रमोशंस में कहा कि कोई इस फिल्म को प्रोड्यूस नहीं करना चाहता था, तो वो लेखक भी हैं और एक्टर भी हैं इस फिल्म में, और उन्होंने 3 साल इस फिल्म को रिसर्च करने में दिए, तो क्या उनकी जो ये पूरी मेहनत है वो स्क्रीन पर नजर आती है? स्क्रीन पर उनकी मेहनत बेशक नजर आती है। फिल्म की स्क्रिप्ट बेशक जरूर कमजोर है, पर जो प्रोड्यूस उन्होंने किया है, उन्होंने उसमें पर्याप्त पैसे लगाए हैं, तो वो दिखता है सेट्स में, फिल्मांकन में, वो आपको साफ साफ नजर आता है कि 80s का, 90s का वो टाइम वो उन्होंने बहुत अच्छे से रिक्रिएट किया है। दूसरा, एक्टिंग में उन्होंने सबसे ज्यादा मेहनत की है। राइटिंग वो कहीं ना कहीं कमजोर हो गई, वो एक दूसरी बात है, शायद वो पहली बार ही लिख रहे हैं कोई फिल्म, लेकिन एक्टिंग अभी तक जैसे वो अंडररेटेड रहे हैं। तो एक्टिंग उन्होंने दिल खोल के की है, मतलब अपने आप को भूल के की है, तो कह सकते हैं कि उनकी बेस्ट मूवी है। ये उनकी बेस्ट मूवीज में से एक होने वाली है। और गवली बनते हुए वो गवली का एक अलग तरह का मिजाज है कि वो क्या करते हैं, उनके चेहरे पर एक मासूमियत ओढ़ने की वो कोशिश करते हैं और उस मासूमियत में एक कुटिलता डूबी हुई होती है, तो उसको अर्जुन रामपाल के चेहरे पे आप नहीं देख सकते हैं। अर्जुन रामपाल चाहे भी तो वो कर नहीं सकते थे, तो वो एक अलग तरह के गवली बन गए हैं। उन्होंने एक गंभीरता ओढ़ ली है, एक अपना बोलने का तरीका साध लिया है, और इसको वो पूरी फिल्म में बनाए रखते हैं। तो जब आप उन्हें देखते हैं, जब उन्हें चलते देखते हैं, बोलते देखते हैं, या चेहरा उनका देखते हैं, खासतौर पर मेकअप, नाक उनकी एकदम गवली की तरह, हाँ मिलता जुलता नहीं, वो हूबहू आपको लगता है अरे गवली वो नहीं ये। और अरुण जो अलग ही मिट्टी का बना था, ये कहानी इसी की है। आपने कहा कि 80 और 90 के टाइम पीरियड को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। अर्जुन रामपाल का सबसे अच्छा काम इस फिल्म में देखने को मिला, बाकी के किरदार भी अच्छा अभिनय करते हैं, फिर भी आपको ये फिल्म क्यों पसंद नहीं आई? फिल्म के ना पसंद आने की इकलौती वजह है फिल्म की स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट इतनी ढिलाई से लिखी गई है कि वो इतनी बार फ्लैशबैक में आती जाती है कि आपको पता ही नहीं चलता कि कब कौन सा समय चल रहा है। दूसरे नंबर पे लिखने में ही एक और कमी है, संवादों में। वो संवाद बोलने वाले संवाद नहीं है, लिखा पढ़ी के संवाद है। अभिनेता अच्छे हैं, वो अच्छा काम करते हैं, पर कितना भी अच्छा अभिनेता हो, अगर संवाद वो ढंग से, बोलचाल वाले नहीं है, तो वो बनावटी ही लगते हैं। तीसरी सबसे बड़ी कमी है कि बहुत सारे बॉलीवुड क्लीशे का सहारा लिया गया है। आशी महलूवालिया से हम इस बात पे नाराज हो सकते हैं कि उन्होंने एक घिसे पिटे से तरीके से एक घिसी पिटी सी फिल्म एक बार फिर से हमें दिखा दी है, और वो हमें एंटरटेन नहीं करती है, इसलिए फिल्म से खुश होने की कोई और वजह नहीं है। सो फिल्म को 2 स्टार। ये था आज का हमारा 3 सवाल। इस प्रोग्राम के आगे की कड़ी में आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।